माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्राचीनतम लेह सिटी का दर्शन आज के रूप में वीडियोग्राफी के तौर पर करा रहा हूं, जिसे आप देख पा रहे हैं। पहले एक छोटा सा मार्केट हुआ करता था, उसमें और आज में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर, बीच में कस्टमर को बैठने के लिए, आराम करने के लिए पूरी मार्केट के बीच में सड़क पर बीचों बीच में जो डिवाइडर का भी काम करती है, और बैठे हुए सब लोग आनंद ले रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। पूरे हल्की थकान के बाद आज आराम करके शाम को भ्रमण करने का मन किया, तो ले सिटी का मेन मार्केट है उसकी वीडियोग्राफी आपके सामने प्रस्तुत। इस मेन मार्केट के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे, ये एक मस्जिद है, बहुत ही आकर्षक केंद्र है ले सिटी का। ये सामने जो देख रहे हैं चित्र, ये है मस्जिद, बहुत ही सुंदर लकड़ी के कारीगरी से सजाया हुआ। ये देखिए, इस ले सिटी के वीडियोग्राफी के बाद हम चल पड़े एक गेस्ट हाउस में, जहां आकर्षक करने वाले गार्डन, फ्लावर्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं गर्मी के सीजन में। जहां हम ठहरे हुए हैं, वापस आकर इतने छोटा पेड़ इसमें लदे हुए हैं पूरे फ्लावर्स एप्पल के, जो अभी 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम पहुंच गए शांति स्तूप, जो ले सिटी का बहुत ही आकर्षक केंद्र है। वहाँ से पूरी ले सिटी, वहाँ के गांव, वहाँ का नज़ारा ही अद्भुत है, बहुत ही हाइट पर है। यहाँ से पूरा ले सिटी का आर्मी कैंटोनमेंट, एयरपोर्ट, एयरफील्ड, एयर स्ट्रिप, सब कुछ नज़र आती है। सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र है लेह सिटी का ये शांति स्तूप, यहाँ से देख पा रहे हैं आप। ये सामने जो दिख रहा है, ये भी एक स्तूप है बौद्ध धर्मावलंबियों का। ये वीडियोग्राफी करते हुए भी बहुत ही आनंद आया, हाइट पर काफ़ी है। करीब 100 मीटर पहले गाड़ियां रुक जाती है, और वहां से 100 मीटर अप स्ट्रीम में वॉक करना पड़ता है। इस शांति स्तूप पर आने का एक मेरा बहुत ही मकसद था, जो आज पूरा हुआ, बहुत दिनों से सोच रहा था।
अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बहुत ही बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए लेह वैली के चारों तरफ की घाटियाँ बर्फ से लदी हुई वो भी दिखाई दे रही है। बहुत ही रमणीय स्थल है, देखने योग्य। शाम के समय सूरज की रोशनी का एक हल्की सी छटा आने लगी। नीचे कंटेनमेंट एरिया, यहाँ पर पहुंचने से ही बहुत ही शांति का अनुभव होता है। वास्तव में ये शांति स्तूप है जिसको 1991 में जापान के एक लामा ने इस बड़े से शांति स्तूप को बनाया था। ये गोल नुमा गुंबद चारों तरफ से आप वॉक कर सकते हैं और ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने दिख रहा है ग्राउंड, ये एयर स्ट्रिप जहाँ पर 1976 में मैं लैंड किया था पहली बार अपनी सर्विस के दौरान, और इसको काफ़ी देखने की इच्छा थी। ये पीछे की पहाड़ी जो दिख रही है ये कभी बर्फ से नहीं ढकती, ये क्योंकि फास्फोरस युक्त पहाड़ी है, बर्फ पड़ती है और उसी टाइम पिघल जाती है। ये बुद्धा टेम्पल है, प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर जाके बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। अतः हमने भी एक मिनट के लिए शांति की मनोकामना की पूजा की। दीपक चलता हुआ, बहुत ही बड़ा हॉल है, यही सबसे पहले बना था। क्योंकि शांति स्तूपा जो हाइट में दिख रहा है उससे पहले का ही है और ये थोड़ा नीचे है जो दूर से कम दिखाई देता था। इतना बड़ा हाल, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और सभी लोग हिंदू और बौद्धिस्ट सभी आके यहाँ पर शांति की कामना करते हैं। फॉरेनर्स दूसरे कंट्री वाले बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ
जरूर आते हैं। अब वहाँ से पहुँच गए अपने स्थान पर और वहाँ से एक लाइट दिख रही है, बहुत ही सुंदर चमकीली, वो भी एक स्तूप है और शाम के टाइम का बहुत ही आकर्षक नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ माई चैनल। थैंक यू।